Pasena. अस्सलाम वालेकुम। अभी सुबह के 6 बज रहे हैं और आज हमारा ट्रिप है इस्लामाबाद को। अभी सुबह सवेरे जाएंगे, मतलब 7:30 बजे निकलेंगे तो रात को वापस आएंगे। एक दिन का ट्रिप है। 3 साल में पहली बार ट्रिप अरेंज हुआ है और मैं ये व्लॉग बना रहा हूँ और मैं कोशिश करूँगा कि अच्छी सी अच्छी बने। मुमकिन तो नहीं है कि ज़्यादा अच्छी हो, लेकिन अच्छी होगी इंशाल्लाह। तो अभी चेंज करूँगा, फिर नाश्ते पे जाएंगे, फिर इंशाल्लाह रवाना होंगे। Okay, I thought this was a dhaba, but this isn't. और 200 की पर्चा करो। 200? एक कप चाय? 3 कप चाय। 3 कप चाय। हम लोग इस्लामाबाद के होटल में खड़े हुए हैं और हम लोग अंतर के लिए थोड़ा सा रेस्ट ले रहे हैं। लोगों ने अपने आप को मारा मारा कर दिया है और हम लोग अंतर कर रहे हैं। हम अभी ऐवान सदर आए हैं, लेकिन यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉनिक मीडिया अलाउड नहीं है, तो हम कैमरे और मोबाइल के बगैर अंदर जाएंगे। हम ऐवान सदर से निकल आए हैं और अब हम इंशाल्लाह दामनी को जाएंगे इंशाल्लाह। ये पार्किंग की जगह भी है और इसके ऊपर शमसी पावर प्लांट है, तो दो फायदे, एक तो है पार्किंग के लिए और दूसरी इलेक्ट्रिसिटी के लिए। अब यहाँ पे आ जाए, अब हम डिसाइड करेंगे कि हम किस तरफ जाएंगे, दामनी को जाएंगे या किसी और जगह। हम लोग अंदर मरकज जा रहे हैं खाना खाने के लिए, इंशाल्लाह जाएंगे फिर मनाल जाएंगे। ये कह रहे हैं कि हम F11 F10 मरकज जाएंगे, वहाँ पे खाना खाएंगे, उसके बाद दामनी को जाएंगे। सारे बस का वेट कर रहे हैं, सारे देखो ये इकट्ठे हो गए इधर और तकरीबन बस आने वाली है, थोड़ा टाइम लगेगा और इसके बाद हम जाएंगे कुछ खाने के लिए क्योंकि बहुत ज़्यादा भूख लगी है हमें। दैट्स इट। ओके, सारे भूख से निकालने। अ
हम पिछले दो घंटों से तेवर फूड में खड़े हैं और हमें जगह नहीं मिली। चावल बहुत ज़बरदस्त थे, आप डिसाइड करेंगे कि नेक्स्ट स्टेशन कौन सा है, कहाँ पे जाएंगे। तो अस्नान आप हमें बताएं कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा। एक्सपीरियंस अच्छा रहा काफ़ी, लाइक फर्स्ट ट्रिप था हमारा, सेकेंड ईयर में भी लाइक कोशिश की थी लड़कों ने लेकिन नहीं हो पाया, इस दफ़ा बस हो गया। तो लाइक डेफिनेटली जो है उसको हमने इंजॉय करना होता है, अपने खुद फन बनाना होता है, ये मेमोरीज हमारी बन रही हैं, बन रही ये है, मेमोरीज हैं लाइक ये बात में हमें याद आई। इसके बाद हम जाएंगे या लेक व्यू पर जाएंगे या दामनिको। असलानी क्या हो गया यार, बस पहले जगह डिसाइड नहीं हो रही थी, अभी जगह डिसाइड हो गई है, लेक व्यू पार्क जाना है हमें, लेकिन पता नहीं ये अब गलत जगह आ गए लगता है और गलत पार्क आ गए और ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है इधर, तो बस देखते हैं अब क्या होता है, बस अल्लाह करे मसला ना हो। अब बस रिवर्स आ रही है और किसी भी गाड़ी के लिए रिवर्स आना बहुत मुश्किल हो जाता है, खासकर बस बड़ी बस है और ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, साइड पे दोनों साइड पे गाड़ियाँ खड़ी, ड्राइवर कोशिश कर रहा है कि जल्दी से निकल जाए, अब देखते हैं कि जल्दी जल्द निकल जाए और अपनी स्टेशन पे चले जाए लेक व्यू पार्क। आप बताइए अब क्या करें। ये भैया लेक व्यू पार्क आ गए हम और बहुत गर्मा गर्मी है, गर्मा गर्मी लोग आए हुए और इसके बाद हमें किधर जाना है। बोट पे कोई नहीं जा रहा तो मैं तो ट्रैक्स पे जाऊंगा, टाइम कम है और वो कह रहे हैं कि दामनिकोप भी जाएंगे। चलो तुम चले जाना। हाँ मैं चले जाऊंगा, थोड़ा सा राउंड लगा के लेक व्यू का देख लेते हैं। अब मैं ATV रेसिंग के लिए आ गया हूँ और ये टिकट्स है। पेमेंट्स ना हो तो आपको टिकट खरीदनी पड़ेगी और यहाँ पर कुछ साइकोलॉजी सेंटर है, पर्सनल असेसमेंट हो रही है, कुछ डायग्राम्स कुछ ड्रा करना पड़ेगा आपको, तो फिर आपको उसकी काउंसलिंग जो भी है वो आपकी करते हैं, आपको अपनी पर्सनैलिटी के बारे में बताते हैं, साइकोलॉजिस्ट बैठे हैं। हम अभी सेंट टॉरस से बाहर जा रहे हैं और हमने मूवी भी नहीं देखी सेंट टॉरस में, ये सिर्फ और सिर्फ इस बंदे की वजह से, क्यों मेरी सारी जिम्मेदारी इस बंदे की है। मैंने बहुत सिफारिश की, बहुत सिफारिश की, लेकिन इसने सर को बोला है कि सर हम जोकर मूवी नहीं देख रहे, अब हम लोगों को क्या बोलेंगे कि हम सेंट टॉरस गए और हमने मूवी भी नहीं देखी। लाइक करें और सब्सक्राइब भी कर दे और इस पे कमेंट्स भी कर दे और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें।